नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीरियल नंबर कैसे डालते एक्सेल के अंदर। दोस्तों आज हम आपको पांच ऐसे तरीके बताएंगे जिनका आप यूज करके सीरियल नंबर डाल सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं पांच, जानने के लिए इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। दोस्तों सीरियल नंबर डालने के लिए सबसे पहला तरीका है, आपको सिंपल से आपको टाइप करना है 1 और 2। उसके बाद दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्रैग कर देना है तो आपके सीरियल नंबर आ जाएंगे। पहला तरीका ये है दोस्तों। दूसरा तरीका ये है, सिंपल से हम टाइप करते हैं 1 एन, इसको सिलेक्ट करते हैं और जाते हैं सीरीज के अंदर। सीरीज फंक्शन में हम यहाँ टाइप करते हैं 1 और यहाँ पर स्टॉप वैल्यू यानी कि हमें 100 तक सीरियल नंबर दिए। सिंपल सा ओके पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर 100 तक आपके आ जाएंगे सीरियल नंबर। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो गया। एंड आपको तीसरा तरीका ये है, आपको सिंपल सर आपको इक्वल दबाना है दोस्तों। एंड सिलेक्ट करना है फर्स्ट वैल्यू को, एंड प्लस 1 इंटर देना है, सेकंड आ जाएगी, उसके बाद आप इसको ड्रैग कर देंगे तो आपके जितने भी सीरियल नंबर इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, चौथा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चौथा तरीका क्या है, चौथा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंपल सा इक्वल लिखना है एंड यहाँ पर रो टाइप करना है। रू एन ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट बंद कर देना है, एंटर कर देना है, 1 आ जाएगा। एन फिर आपको ड्रैग कर देना है। आप इस तरह से यहाँ पर सीरियल नंबर डाल सकते हैं। चार तरीके हो गए। एन यहाँ पर एक और तरीका है, जैसे कि आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे, आप यहाँ से टाइप करना स्टार्ट कर देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये सीरियल नंबर यहाँ तक डले हुए हैं। ठीक है, तो इन पाँच तरीके से आप सीरियल नंबर डाल सकते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।